मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडेय ने कहा कि अयोध्या में विकास कार्य केवल समाजवादी पार्टी की अखिलेश व मुलायम सरकार ने ही किया है। पवन पांडेय ने सपा सरकार में कराए गए विकास कार्य व घोषणाओं की गिनती गिनाई। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से अयोध्या में भजन स्थल, 38 करोड़ की लागत से सीवर लाइन, 5 करोड़ की लागत से त्वरित आर्थिक योजना के अंतर्गत अयोध्या की सड़कों का निर्माण, 54 करोड़ की लागत से अयोध्या में भूमिगत केबल का निर्माण। इसके साथ ही पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडेय ने अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चरण वंदना करने वाले सीओ सदर दीपक कुमार को सस्पेंड करने की मांग की है। यही नहीं, पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडेय ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हनुमानगढ़ी में जूता पहनकर हनुमानगढ़ी के घुसने का भी एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने हनुमानगढ़ी का अपमान किया है, इसलिए सरकार सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ जांच कराए और उचित कार्यवाही भी करे। कल एक फैजाबाद के प्रशासनिक अधिकारी जो सीओ सदर हैं श्री दीपक सिंह, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। डबल मंजिला शौचालय 5-1 करोड़ रुपए की लागत से श्री अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया और उसके किनारे पारिजात, नीम, पीपल, पाकल के पौधे भी लगा करके 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को सुंदर जारी किया था। जो कोरिया के लोग हर साल आते हैं, जो अयोध्या से अपने रिश्ते को मानते हैं, गए थे देश के प्रधानमंत्री करता सड़क को अच्छा बनाने का काम आज पूरा हो चुका है। इसका भी उच्चीकरण श्री कल एक फैजाबाद के प्रशासनिक अधिकारी जो सीओ सदर हैं श्री दीपक सिंह।